किशनगंज के कोचा धामन के बिशनपुर ओपी थाना प्रभारी एसआई दिलीप कुमार राम की अचानक तबियत बिगड़ने से मौत हो गई। बता दें, अचानक तबियत बिगड़ने के कारण बंद कमरे में आराम करने के दौरान थाना परिसर स्थित उनके आवास में निधन हो गया। ओपी प्रभारी दिलीप कुमार राम की अचानक मौत से पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर जेडीयू विधायक मुजाहिद आलम और कोचा धामन थाना अध्यक्ष सुमन कुमार पहुंच गए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर हॉस्पिटल किशनगंज भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद उनका शव पुलिस लाइन लाया गया, जहां उन्हें सलामी दी गई। साथ ही एसपी कुमार आशीष, एसडीपीओ अनवर जावेद, डीएसपी अजय झा सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास झारखंड के साहिबगंज भेज दिया गया। वहीं एसपी कुमार आशीष ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि हृदय गति रुक जाने से उनकी मौत हुई है। किशनगंज में बिशनपुर ओपी प्रभारी श्री दिलीप कुमार राम जी की कल रात में अकस्मात मौत हो गई और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि उनको दिल का दौरा पड़ा था, हार्ट अटैक था और वो जिस कमरे में थे उसी कमरे में सोते हुए पाए गए। तो फिर अभी पोस्टमार्टम उनके परिवार वालों को बुला करके जो विधिवत प्रक्रिया है हम लोग उनको घर भेज रहे हैं, आगे और इस पर कार्रवाई की जाएगी और बहुत ही गमगीन है। किशनगंज जिला पुलिस उन्हें नमन करती है, उनके अच्छे कार्यों को याद करते हैं हम लोग और उनके दिखाए गए रास्तों पर चलने की हम लोग। इसके साथ ही एसपी कुमार आशीष ने दिलीप कुमार राम के बेटे को सांत्वना देते हुए कहा, पूरा पुलिस महकमा उनके परिवार के साथ है। बता दें, एक सप्ताह पहले ही पुलिसकर्मी एसआई दिलीप कुमार राम का पूर्णिया से किशनगंज तबादला हुआ था और देर रात पेट दर्द की शिकायत के बाद कमरे में आराम करने गए और उस दौरान उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए किशनगंज से अमित की रिपोर्ट।